तो गाइस अभी हमने कॉमिक विलेज बेसिकली एक्सप्लोर कर लिया था। तो कॉमिक विलेज एक क्या है, अपना छोटा सा विलेज है, सबसे हाईएस्ट नो पॉइंट पे है, और उसके बाद हाईएस्ट मीटर से आई थिंक 4587 meters था उसका हाईएस्ट पीक। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से अपना लांगजा से जो नाम किब्बर मनस्ती जाएंगे, फिर चेचम ब्रिज जाएंगे। फिलहाल आप व्यू देखोगे, जब ये रोड कितना प्यारा है और कितने प्यारे रोड में हाईएस्ट मोटरवे रोड है ज़रा आपको पता ही होगा इसको, ये पूरे इंडिया में हाईएस्ट मोटरवे रोड है। यहाँ पे इतना प्यारा रोड बना रखा है बीआर ने, तो क्या ही बोला, जिगजैग है बोला, जिगजैग पता ना। और बस हम वहाँ थोड़ा पहुँच जाएँ जब टाइम से, हम तो ये सोच रहे कि हम लांगजा पहुँच जाए, उसके बाद फिर वहाँ से वापस आएंगे चिचम और किब्बर के लिए। दो मन एक चिचम ब्रिज है और की मोनेस्ट्री है, वो भी हम सोच रहे हैं उसको आज कवर करेंगे। लांगजा यहाँ से 6 किलोमीटर है गाइस, तो बस लांगजा पहुँचते हैं, आपको फिर मैं वहाँ के बताता हूँ वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक। जब हम यहाँ से लांगजा से 2 किलोमीटर बचा है तो शहर से सारा वहीं रुका होगा, तो वो आगे निकल गया था काफ़ी, मेरे को आइडिया नहीं है, एक बार बस लांगजा पहुँच जाए। बट आप देखोगे जगह जगह बर्फ ही है नीचे की साइड, इस साइड ये देखो तो मौसम तो अच्छा हो रहा है काफ़ी, कितने बोलूँगा एक सुबह का मौसम हो रहा है। ये पत्ती ना पत्थर भी गिरते हैं ऊपर है ना, शूटिंग स्टोन एरिया है काइंड ऑफ। बट यहाँ पे गाड़ियाँ आती एकदम से लेके कर चलाना पड़ रहा, पता नहीं वो कितना आगे निकल गया कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ भाई साहब भाई ये देखो कितना ज़्यादा डी, हाँ तो स्नोफॉल हुई है भाई रगड़ी वाली, जहाँ यहाँ जो नीचे की तरफ है ना वो आई थिंक वो जम गया है, बट स्नोफॉल हुआ है अच्छा खासा। बस मैं तो आराम आराम चल रहा हूँ, सौरभ तेज निकाल के ले गया, मेरे को तो नहीं जाना भाई तेज कुछ हो जाए, मैं अपने अपन का इंटर होना चाहिए इन पॉइंट टू है इंटर है भाई, ध्यान नहीं आ रहा, मैंने पीछे देखा था बोर्ड 34 किलोमीटर बता रहा था पा। ये आगे हम लांगजा, वो उसने आराम फरमा लिया लांगजा यहाँ से गए, अब फिर जो लांगजा 1 किलोमीटर है। और अब देख रहे हम यहाँ से हमने ऐसे लिया था उस टाइम पे ऊपर जाने के लिए सिक्किम जाने के लिए सिक्किम कॉमिक, और हम स्ट्रेट जाएंगे किसके लिए लांगजा के लिए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली स्ट्रेट हमारा लांगजा जाएगा। अब लांगजा के लिए अगेन रास्ता ऑफ रोडिंग के लिए कर रहा है, मैं कहता हूँ काइंड ऑफ हाँ ऑफ रोडिंग ही है, ये बोला कच्चा रास्ता है, सौरभ तो भगा के ले गया। चलो गाइस लांगजा विलेज पहुँचता हूँ, फिर आपसे डायरेक्ट वहीं मिलता हूँ, फिर आप जैसे हम उसमें बात करेंगे तो बताऊँगा आपको। गाइस ये है लांगजा विलेज, हाँ आप देख रहे होगे। तो अब हमें यहाँ से जाना है चेतम ब्रिज पर, हम देखते हैं लांगजा रुकेंगे नहीं रुकेंगे, रुकेंगे शायद से यहाँ पे कोई मोनेस्ट्री है यहाँ पर भी देखते हैं। उसका भी हमें लांगजा ठंडी हवा चल रही है खुली वाली, और मैं थक गया हूँ। बट अभी हमने बाइक यहाँ लेके इसलिए नहीं आए क्योंकि थोड़ा सा ना हमने सोचा कि रेस्ट नहीं लेते, वैसे मेरी बाइक तो आ जाती बस उसकी भी आ जाती, तो उसने क्या किया उसने अटका दी, तो हमने वाला रेस्ट ना लेकर उसकी बाइक पीछे का ऊपर लगवा दी ना बाइक अपनी, वहाँ लगी हमारी बाइक। और मेन जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो ये बुद्धा जी की मूर्ति है यहाँ की, बहुत प्यारी लगती है देख सकते हो। और नीचे अगर आपको होम स्टे चाहिए तो यहाँ पर होम स्टेज भी मिल जाते हैं नीचे, यहाँ पे ये होम स्टेज बने हुए हैं। और बाकी गाइस ठंडा तो बहुत है यहाँ पे, अभी हम लांगजा की बजे की फोटो
क्रॉस कर जाके यहाँ से हम जाएंगे चिचम ब्रिज टेन के पर मॉनेस्ट्री। अभी सांस फूल रही है क्योंकि हम काफ़ी हाइट में हैं, कम से कम यहाँ पे भी 4300 मीटर की हाइट होगी अभी भी यहाँ पे। सो देखिए ये चीज़ जो दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। गाइज वेलकम टू की मोनेस्ट्री। सो अभी आप आगे देखने वाले हो कि की मोनेस्ट्री या की विलेज कैसा है, और आप ज़रूर बताना आपको कैसा लगेगा। अभी हम जा रहे हैं, आप देखो। की मोनेस्ट्री को हम गाइस की गोंपा भी कहते हैं, जो बेसिकली दिस इज़ द मोनेस्ट्री दैट इज़ द सेंटर ऑफ मंडाला। एंड ये मोनेस्ट्री स्पीति में सबसे बड़ी मोनेस्ट्री, लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है, जो ग्रेट स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी होल्ड करती है। बेसिकली यहाँ पे हमारे इसको प्ले ग्राउंड ऑफ लामास भी कहा जाता है, यहाँ पे बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं। तो अभी हम वहीं पे जाके विजिट करने वाले हैं। 2014 दलाई लामा ने बेसिकली इसको न्यू और एक काइंड ऑफ बहुत बड़ा असेंबली हॉल यहाँ पे, जिसे की गोंपा भी कहा जाता है, वहाँ पे बनाया था। और जो हॉल है वो बेसिकली एडॉन करता है मैनी ओल्ड वॉल हैंगिंग्स विच ब्यूटिफुली डिपिक्ट्स द इवेंट्स ऑफ फ्रॉम द बुद्धा फॉर्मर लाइफ टाइम्स। सो यहाँ पे प्रेस होती है, यहाँ पे आप जाओगे आप देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी आपको मैं एक व्यू दिखा रहा हूँ की मोनेस्ट्री का ऊपर से, आप ज़रूर बताना वो कैसा लगा। बाकी हम आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे आगे। सो गाइस अभी की मोनेस्ट्री में आ चुके हैं हम और ऊपर जा रहे हैं। देखो क्या कहता है सौरभ, अच्छा नाइस। बस वही सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी ऊपर जाने के लिए और कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे वॉलीबॉल खेल जा रहे हैं, ऑलरेडी टायर्ड, इतना सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा यार। आपको भी ऊपर राइट दिखाता हूँ मैं। ये है की मोनेस्ट्री और ये वी आर जस्ट जॉइनिंग देम। ओह शिट, इज दिस सीरियसली? हाँ फिसल जाएंगे लग रहा है, बर्फ जमा हुआ भाई तो। हाँ सो सबकी सब आए यहाँ पे। ये बाल का नजारा है, अब हम अंदर जाएंगे। इस समय ऐसे घुमाना है, ऐसे स्टेप से क्लॉकवाइज घुमाना है।
गाइस क्लॉकवाइज घुमा लिया, नाउ वी आर एट द टॉप। की गोम्पा प्रेयर हॉल, यहाँ पे होती है एक की मॉनेस्ट्री का ऑफिस है। सीरियसली शूज आने पड़ेंगे? अरे यार भाई तेरे तो बढ़िया है, सिंपल है। चलो गाइस सो जाते हैं। सो सौरभ कैसा लगा कि मॉनेस्ट्री? बहुत बढ़िया। ऊपर भी गया था मैं टेंपल में, अच्छा लगा। मॉनेस्ट्री विजिट है, अंदर बहुत सुंदर है भाई। सो गाइस बेसिकली स्पीति आओ तो जरूर। मैंने गलती कर दी थी कि मैंने जूते पहन लिए थे, तो मैं ऊपर टेंपल में नहीं जा पाया। मेन टेंपल है इनका, हम बाकी हमने प्रेयर्स पे हम बैठे हैं, बट मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई है। सो इट्स बेटर कि हम कोई वीडियो ना बनाएं। अंदर वीडियो अलाउड भी नहीं, वीडियो अलाउड भी नहीं है, वीडियो बनानी भी नहीं चाहिए। हमेशा एक ऑनेस्टी है कोई भी इसकी, उसको शुद्ध रखो, कभी छेड़ो मत उस चीज़ को। सीक्रेट है, सीक्रेट रहने, सीक्रेट रहनी चाहिए वो चीज़ें। तो बस यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? हम अभी चीज़ें भी जाएंगे और किब्बर मॉनेस्ट्री जाएंगे। आई थिंक पहले किब्बर पड़ेगी ना, पहले किब्बर है फिर चीज़ें। हाँ शाम को हम काजा भी होंगे और आज हमने मोमोज खा लिए। हम मोमोज के लिए ही बस कहा जा रहे हैं। सो गाइस अभी आपको मैं डायरेक्ट बाइक में मिलूंगा, टेक केयर।